बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी क्या चौथी बार भी चुनाव हार जाएंगे? इसलिए कि इससे पहले दो बार वो चुनावी मैदान में गया सुरक्षित सीट से, लोकसभा के उम्मीदवार थे, 1991 में चुनाव हार गए, 2014 में चुनाव हार गए, 2019 में चुनाव हार गए और 2024 में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनके मुकाबले में कुमार सर्वजीत हैं, जिनके पिता ने कभी जीतन राम मांझी को चुनाव हरा दिया था। यानी पिता ने जिस व्यक्ति को चुनाव हराया उस व्यक्ति का मुकाबला पुत्र से है और वो है कुमार सर्वजीत। इंडिया गठबंधन में आरजेडी के चुनावी चिन्ह यानी जो चुनावी निशान है उस पर वो चुनावी मैदान में है और उनके मुकाबले जीतन राम मांझी है। इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई कि जीतन राम मांझी मंदिर मंदिर जा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमें एक बार जिता दीजिए, इसलिए कि तीन बार हरा चुके हैं। लेकिन लोगों का यह अनुमान है, लोगों का अंदाजा है, सियासत में जो महारत रखते हैं उनकी यह टिप्पणी है कि जीतन राम मांझी हो सकता है कि गया से एक बार फिर चुनाव हार जाए। इसलिए कुमार सर्वजीत की राजनीति बड़ी साफ सुथरी है। कुमार सर्वजीत के पिता सामाजिक थे और उन्होंने जीतन राम मांझी को चुनाव हराया था। लेकिन कुमार सर्वजीत जब गया से विधायक का चुनाव जीते तो कहा यह जाता है कि वो कभी चुनावी मैदान में गए ही नहीं, घर में बैठे थे, लोगों ने उन्हें चुनाव जिता दिया, ऐसा उनके लोगों का मानना है। लेकिन इस बार भी वो चुनावी मैदान में है, अलग अलग जगहों पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जीतन राम मांझी के लिए सियासी राह गया में मुश्किल है, हालांकि दोनों गया के ही है और जब मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी उस वक्त जो सियासी उठापटक हुई, भारतीय जनता पार्टी उनका सपोर्ट कर रही थी, नीतीश कुमार उन्हें कुर्सी से हटाना चाहते थे, फिर हालात बदल गए, मांझी फिर इधर आ गए, नीतीश ने कहा कि ये मुखबिरी करते हैं, ये जो जो बात इधर मीटिंग में होती है बीजेपी को जाके कह देते हैं, फिर हालात बदले और जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार दोनों भारतीय जनता पार्टी यानी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन जीतन राम मांझी के लिए मुश्किलें आसान नहीं है। 1991 वो चुनाव लड़ते हैं, उस वक्त वो चुनाव हार जाते हैं, सपना था एमपी बनने का, वो सपना चकनाचूर हो गया। उसके बाद 2014 में वो चुनाव लड़े, वहां भी चुनाव हार गए। उसके बाद 2019 में वो गया से अपनी किस्मत आजमाए, वहां भी चुनाव हार गए। 2024 में कहा यह जाता है कोई दो बार अगर चुनाव हारता है तो तीसरी बार चुनाव जीतने की संभावना रहती है। लेकिन जीतन राम मांझी के साथ कैसी संभावनाएं आ सकती है कि दो बार नहीं तीन बार हार चुके हैं, तो क्या चौथी बार वो चुनाव हार जाएंगे? लोग अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी के लोगों का यह कहना है, उनका अपना एक दावा है कि इस बार भी मोदी की लहर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो सपना है जो बिहार को बेहतर बनाने का, उसमें बड़ी सारी चीजें हुई, बड़ा काम हुआ, इसलिए यह है कि चुनाव इस बार जीतन राम मांझी जीत जाएंगे। लेकिन इस वक्त मुकाबला जो हालात है वो थोड़े से टफ है, कुमार सर्वजीत उनके मुकाबले में है और ये देखना होगा चुनावी परिणाम। पहले चरण में यहां चुनाव हो रहा है, ग्राउंड जीरो पर जाकर के हम सारी रिपोर्ट आपको बताएंगे कि देखिए क्या हालात है यहां पर, जीतन राम मांझी के लोग किस तरह से उनको ट्रीट कर रहे हैं, या कुमार सर्वजीत जो आरजेडी के हैं सुलझे हुए नेता हैं, बयान बहुत सलीके से देते हैं, बहुत सोच समझ करके बोलते हैं, उनके पिता भी वहां की सेवा कर चुके हैं, बड़े अच्छे नेता रहे हैं, तो कहा यह जा रहा है कि कुमार सर्वजीत से जीतन राम मांझी का मुकाबला है और ये मुकाबला बड़ा सख्त होने वाला है। तो जीतन राम मांझी के लोगों को, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को, एनडीए के लोगों को इस बात का अंदेशा है कि हो सकता है कि जीतन राम मांझी इस बार भी चुनाव हार जाएं।